हेलो जी अध्यक्ष जी नमस्कार। राजन राय जी। गोपालगंज से। अध्यक्ष हाँ नमस्कार। जी आज 29 अप्रैल हो गया, हड़ताल का 73वां दिन है जी और ये कोरोना जैसा महासंकट जो है इसका सामना करते हुए शिक्षकों का परिवार जो है आधा पेट भोजन कर रहा है और अपने 70 के करीब साथियों को खो दिया है। जी ऐसी विषम परिस्थिति में वो हड़ताल का पालन कर रहा है, जी तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि समन्वय समिति के आप एक मजबूत स्तंभ हैं, आप तो क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तक जो स्थिति है उसमें मैं बतलाना चाहता हूं कि 3-4 बार बहुत ही मजबूत पहल और प्रयास किया गया है जी और उस प्रयास में हम लोग सफलता के काफी करीब पहुंच भी गए। लेकिन राज्य के मुखिया के समक्ष जाकर के हमारे जिन माध्यमों से अपनी बात रखी गई और मुखिया को सहमत भी करने की कोशिश की गई, वो सहमत हुए भी, लेकिन विभागीय शीर्ष पदाधिकारी लोग जाकर माननीय मुख्यमंत्री को मिसगाइड करते रहे, जिसके जी कारण हम लोग बहुत करीब जा जा करके फिर फिसल गए। लेकिन इस बार फिर एक पहल हुई है, वह आंतरिक बातें हैं, बहुत चीज सार्वजनिक नहीं कर सकते जी हैं। 2 दिन पहले काफी मजबूत पहल हुई है और उस पहल का फलाफल निश्चित रूप से आपको 1 सप्ताह के अंदर आ जाना है। जी इसलिए अब सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस हड़ताल से काफी परेशान हैं कि इसका परिणाम बहुत घातक होगा। अगर शिक्षक मजबूरी में हड़ताल से वापस चले भी जाएंगे तो उस मजबूरी के पीछे एक प्रतिशोध की भावना तो जन्म ही ले चुकी है और वह प्रतिशोध उन लोगों के लिए काफी संकट पैदा करेगा। जी जी इस चीज से सभी लोग भली भांति अवगत हैं, समझ रहे हैं, इसलिए सभी लोगों ने जाकर के और राज्य के मुखिया को अपनी भावना से अवगत कराया है और वहां से कुछ निर्देश हुए हैं। लेकिन क्या हुआ है नहीं हुआ है बहुत सारी बात नहीं बता सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा, इसलिए सभी लोगों से यही कहना है कि और 1 सप्ताह मजबूती के साथ डटे रहिए, उसके बाद मैं किसी को डटने के लिए नहीं कहूंगा। जी 1 सप्ताह मैं मांग रहा हूँ, अपनी ओर से रिक्वेस्ट है कि 1 सप्ताह और मजबूती के साथ आप डटिए और आप एक सकारात्मक परिणाम के साथ और सम्मान के साथ वापस होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी 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 यही हम संदेश देना चाहते हैं तमाम अपने कुचाकुट के साथी के लिए, उचकाओं के साथी के लिए, जो भी प्रखंड के लोग हैं, सभी लोगों के इतने देना चाहते हैं कि आप इतना दिन डटे रहे हैं, 1 सप्ताह और डटे रहिए, रिजल्ट सुखद होगा। जी